गुजरात सरकार ने आरक्षण को लेकर बड़ा ऐलान किया है और सरकार ने आर्थिक पिछड़ेपन को आधार मानकर राज्य में सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि पाटीदार आरक्षण आंदोलन के चलते यह फैसला किया गया है। इसके लिए 1 मई को अधिसूचना जारी की जाएगी। देखिए एक रिपोर्ट। गुजरात में पाटीदार आरक्षण आंदोलन की आग में हाथ जला चुकी राज्य सरकार ने आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार ने सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। सामान्य वर्ग जिसमें पाटीदार समाज भी आएगा, उसे भी इस आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में ये फैसला लिया गया। माना जा रहा है कि राज्य में चल रहे पाटीदार आंदोलन के चलते ये फैसला लिया गया है। सरकार ने अपने फैसले से न सिर्फ पाटीदारों बल्कि सभी वर्गों को खुश करने की कोशिश भी की है। फैसले के मुताबिक सालाना 6 लाख से कम आय वाले परिवार के बच्चों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। पाटीदार समाज ब्राह्मण क्षत्रिय लोहाना आरक्षण के दायरे में होंगे। दूसरे सवर्ण जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भी इसका फायदा पहुंचेगा। नई व्यवस्था के लिए ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण में कोई कटौती नहीं होगी। लेकिन इस ऐलान के साथ ही अब सरकार के सामने कानूनी संकट भी खड़ा हो गया है, क्योंकि फिलहाल गुजरात में एससी एसटी और ओबीसी के लिए 49% आरक्षण का प्रावधान है। नए प्रावधान के तहत ये आरक्षण पहले के आरक्षण से अलग रहेगा, यानी कि आरक्षण 49.5% से बढ़कर 59.5% हो जाएगा, जो कि राज्य में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उलट 50% से ज्यादा है। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ने को भी तैयार है। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट इसे खारिज कर देता है तो सरकार के पास ये कहने के लिए तर्क होगा कि उन्होंने प्रयास किया था। अब अपने फैसले को अमल में लाने के लिए सरकार 1 मई को नोटिफिकेशन जारी करेगी। वहीं सरकार के इस फैसले के बाद अब जेल में बंद पाटीदारों के नेता हार्दिक पटेल की रिहाई का रास्ता भी साफ होता नजर आ रहा है। तो वाकई कहीं ना कहीं सरकार का ये फैसला पाटीदारों की एक बड़ी जीत माना जा रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि हरियाणा के बाद गुजरात और गुजरात के बाद अब किसी दूसरे राज्य में आरक्षण की आग जली तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। देखते रहिए डीबी लाइव।